छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरिया जिले के सीतामढ़ी में विकास के लिए 3,50,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की। इस जगह को छत्तीसगढ़ में प्रभु श्रीराम, भाई लक्ष्मण और सीता मैया के पहले प्रवेश के रूप में जाना जाता है। इस राशि को 2021-22 के पहले अनुपूरक बजट में शामिल भी किया गया, जबकि रामगमन पर्यटन विकास के लिए 1,70,26,000 रुपए, वहीं श्री महाकाल विकास कार्य के लिए 63,51,000 रुपए स्वीकृत किए गए। महाकाल में घाट पर कियोस्क कार्य और दूसरे विकास कार्यों के लिए 1,16,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। संस्कृति को भी हम पहचाने हैं, हमारी संस्कृति है छत्तीसगढ़ की, उसको केवल न केवल संरक्षित करना है बल्कि संवर्धित करना है और देश के सामने दुनिया के सामने रखना भी है। तो ये राम वनगमन पर्यटन परिपथ जो बना रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य यही है कि भगवान राम यदि वनवास हुआ उनका, तो जहां से गुजरे हमारे यहाँ कोरिया जिले से जो एंट्री उनकी होती है वो रामाराम तक के हो जाते हैं। तो हमने इस साल 9 स्थानों को, पिछले साल 9 स्थानों को चिन्हित करके उसे विकसित करने का निर्णय लिया है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।